इनकलाब टीवी प्राइम टाइम न्यूज के स्वागत हूँ। प्रशासन के सारे वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं, अलग अलग जिलों में हजारों की तादाद में लोग भी जुड़े हुए हैं। देखिए भाइयों बहनों, श्रम की जो ताकत होती है वो हम सभी ने महसूस की है। श्रम की इसी शक्ति का आधार बना भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया गरीब कल्याण रोजगार अभियान, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान। आज इसी शक्ति ने आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान को प्रेरणा दी है, यानी केंद्र सरकार की योजना को योगी जी की सरकार ने क्वालिटेटिव, गुणात्मक और क्वांटिटेटिव, संख्यात्मक दोनों ही तरीके से विस्तार दे दिया है। यूपी सरकार ने न सिर्फ इसमें अनेक नई योजनाएं जोड़ी हैं, लाभार्थियों की संख्या बढ़ाई है, बल्कि इसे आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य के साथ भी पूरी तरह जोड़ दिया है, क्लब कर दिया है। और आपने सुना होगा, मैं हमेशा कहता हूं डबल इंजन। मैं जिस डबल इंजन की बात हमेशा करता हूं, ये प्रयास आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान इसका बहुत उत्तम उदाहरण है। और मुझे पूरा विश्वास है कि योगी जी के नेतृत्व में जिस तरह आपदा को अवसर में बदला गया है, जिस तरह योगी जी और उनकी पूरी टीम जी जान से जुटे हैं, देश के अन्य राज्यों को भी इस योजना से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हर कोई इससे प्रेरणा पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि अन्य राज्य भी अपने यहां ऐसी योजनाएं लेकर आएंगे। और मैं तो यूपी का सांसद हूं, जब उत्तर प्रदेश में इस प्रकार से अच्छे काम होते हैं तो मुझे जरा ज्यादा ही आनंद होता है, क्योंकि वहां के लोगों की मेरी भी जिम्मेवारी है। साथियों, संकट के समय जो साहस दिखाता है, सूझबूझ दिखाता है, सफलता उसी को मिलती है। आज जब दुनिया में कोरोना का इतना बड़ा संकट है, तब उत्तर प्रदेश ने जो साहस दिखाया, जो सूझबूझ दिखाई, जो सफलता पाई, जिस तरह कोरोना से मोर्चा लिया, जिस तरह स्थितियों को संभाला, मैं सच कहता हूं अभूतपूर्व है, प्रशंसनीय है। इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ नागरिकों की सराहना करता हूं। इन उत्तर प्रदेश के सभी मेरे भाइयों बहनों को मैं आज विशेष रूप से नमन करता हूं। आपने जो काम किया है वो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। उत्तर प्रदेश के आंकड़ों में दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को चकित कर देने की अद्भुत क्षमता है। चाहे यूपी के डॉक्टर हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, सफाई कर्मचारी हो, पुलिस कर्मी हो, आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो, बैंक और पोस्ट ऑफिस के साथी हो, परिवहन विभाग के साथी हो, श्रमिक साथी हो, ये लिस्ट इतनी लंबी है शायद मैं सबके नाम बोल नहीं पाऊंगा, लेकिन हर किसी ने पूरी निष्ठा से साथ अपना योगदान दिया है। योगी जी और उनकी पूरी टीम, चाहे जनप्रतिनिधि हो
या फिर कर्मचारी हो, आप सभी ने बहुत उत्तम काम किया है, सराहनीय काम किया है। आप सभी ने मिलकर यूपी को जिस मुश्किल स्थिति में संभाला है, आने वाले अनेक वर्षों तक उत्तर प्रदेश के हर बच्चा, हर परिवार इसको बड़े गर्वपूर्वक याद करेगा, आने वाली पीढ़ियां याद करेगी। साथियों, उत्तर प्रदेश के प्रयास और उपलब्धियां इसलिए विराट हैं क्योंकि ये सिर्फ एक राज्य भर नहीं है। अगर 24 करोड़ की जनता की बात करें तो ये हमारा उत्तर प्रदेश दुनिया के कई देशों से बड़ा राज्य है। इस उपलब्धि को यूपी के लोग खुद महसूस कर रहे हैं, लेकिन इसको हम तब ज्यादा अच्छे तरह समझ पाते हैं और इन आंकड़ों जब जानेंगे तो हम हैरान हो जाएंगे। जरा तुलना करने से पता चलता है कि आज उत्तर प्रदेश ने कितनी बड़ी सिद्धि प्राप्त की है। मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताता हूं। हम यूरोप के चार बड़े देशों को देखें, मैं यूरोप के चार देशों का उल्लेख करता हूं। इंग्लैंड, जो 250 साल हमारे पर राज करके गया, फ्रांस, इटली, स्पेन, मैं इतने ही राज्यों की बात करता हूं। ये देश 200-250 साल तक दुनिया में सुपर पावर हुआ करते थे। आज भी दुनिया में इनका दबदबा है। आज अगर इन चारों देशों की कुल जनसंख्या को अगर हम जोड़ दें, इन चार देशों की कुल संख्या को जोड़ दें, तो वो भी जैसे उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ हैं, इन चार देशों की जनसंख्या भी 24 करोड़ होती है। हमारे तो अकेले यूपी की ही जनसंख्या 24 करोड़ है, यानी कि जितने लोग इंग्लैंड, फ्रांस, इटली और स्पेन, इन चार देशों में रहते हैं, उतने ही लोग हमारे उत्तर प्रदेश में रहते हैं। लेकिन कोरोना में इन चार देशों में मिलाकर उनकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश जितनी है, इन चार देशों में मिलाकर के 1,30,000 लोगों की मौत हो चुकी है। 1,30,000, जबकि उतनी ही जनसंख्या वाला हमारा उत्तर प्रदेश 600 लोगों की जान गई है। कहां 1,30,000 लोगों की मृत्यु और कहां 600 लोगों की मृत्यु, ये बात सही है कि मृत्यु मृत्यु होती है, एक हो या अनेक हो। एक भी व्यक्ति की मृत्यु दुखद है, लेकिन हमें यह भी मानना पड़ेगा कि इन चार देशों ने मिलकर अपने यहां जितने प्रयास किए, फिर भी उनके यहां यूपी से कई गुना ज्यादा लोगों की जाने गई। और ये देश विकसित है, उनके पास संसाधन भी है, और कोई यहां वहां के सरकारों को चिंता नहीं होगी ऐसा तो नहीं है, लेकिन फिर भी अपने नागरिकों को बचाने में उन्हें वो सफलता नहीं मिली जो सफलता आपको उत्तर प्रदेश को हासिल की है। हर उत्तर प्रदेशवासी को गर्व होगा, हर भारतवासी को गर्व होगा। साथियों, इस दौरान आप में से ज्यादातर लोगों ने टीवी पर लगातार देखा होगा, अमेरिका के रिपोर्ट तो लगातार आते थे, अमेरिका के पास क्या नहीं है, सब कुछ है, वो एक एक चुटकी में जो चाहिए वो इकट्ठा कर सकता है।
अमेरिका के पास साधन संसाधन आधुनिक टेक्नोलॉजी किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी आज अमेरिका कोरोना से बेहद बुरी तरह प्रभावित हुआ। आप ये भी याद रखिए कि अमेरिका की जनसंख्या करीब 33 करोड़ है, यूपी की जनसंख्या 24 करोड़ है, लेकिन अमेरिका में अब तक 1,25,000 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि हमारे उत्तर प्रदेश में 600 लोगों की मृत्यु हुई है। अगर योगी जी ने और उत्तर प्रदेश के उनके सभी साथियों ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने सही से तैयारी नहीं की होती, अगर यूपी में भी अमेरिका की तरह ही तबाही मची होती, तो आज उत्तर प्रदेश में 600 नहीं 85,000 लोगों की जान जा सकती थी। अगर हम किसी और देश से तुलना करें तो उस हिसाब से देखें तो 85,000 लोग की जान जाती, लेकिन जो मेहनत यूपी की सरकार ने की है, हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से अब तक कम से कम 85,000 लोगों का जीवन बचाने में वो कामयाब हुई है। आज अगर हम अपने नागरिकों का जीवन बचा पा रहे हैं तो ये भी अपने आप में एक संतोष का विषय है और देश का आत्मविश्वास भी उसके कारण बढ़ता है। लेकिन मैं एक पुरानी घटना को जरूर आज उल्लेख करना चाहूंगा। एक वो भी दिन था जब प्रयागराज, तब के इलाहाबाद के सांसद, देश के प्रधानमंत्री थे, और कुंभ के मेले में भगदड़ मची थी, सैकड़ों हजारों लोग मारे गए थे। तब उस समय जो लोग सरकार में थे उन्होंने सारा जोर मरने वालों की संख्या छिपाने में ही लगा दिया था। अब आज उत्तर प्रदेश के लोगों का जीवन बच रहा है, सुरक्षित हो रहा है, तो यूपी के सांसद के नाते, देश के नागरिक के नाते, भारत के प्रधानमंत्री के नाते, जैसे आप सबको तसल्ली मिलती है, मुझे भी तसल्ली मिलती है। और साथियों, इसमें भी हमें एक और बात हमेशा याद रखनी है, ये सब उस स्थिति में हुआ जब देश भर से करीब 30-35 लाख से जितने श्रमिक, हमारे कामगार साथी यूपी में पिछले कुछ हफ्तों में अपने गांव लौटे थे। सैकड़ों श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को चलवाकर यूपी सरकार ने मुश्किल में फंसे अपने लोगों को वापस बुला लिया था। दूसरे राज्यों से आए इन साथियों से संक्रमण के फैलाव का रिस्क और भी अधिक था, लेकिन उत्तर प्रदेश ने जिस तरह स्थिति को संवेदनशीलता के साथ संभाला, उसने राज्य को एक बड़े संकट से बाहर निकाल लिया। देश की भी बहुत बड़ी सेवा की है उत्तर प्रदेश ने। साथियों, यूपी में 2017 से पहले जो भी सरकारें थी, जो भी व्यवस्थाएं थी, जिस प्रकार से शासन चल रहा था, जिस तरह की सरकारें चला करती थी, उस हालात में हम इन नतीजों की कल्पना भी नहीं कर सकते। पहले वाली सरकारें होती तो अस्पतालों की संख्या का बहाना बनाकर, अस्पताल में बिस्तरों की संख्या का बहाना बनाकर हम चुनौती को टाल देते हैं, लेकिन योगी जी ने ऐसा नहीं किया।
योगी जी ने, उनकी सरकार ने हालत की गंभीरता को समझा। उन्होंने समझा कि इतने बड़े देशों की क्या हालत हो रही है, बड़े बड़े समृद्ध देशों की बर्बादी हो रही है, तो उन्होंने बुरा अंदाज लगा लिया। और ये देखते हुए उन्होंने और उनकी सरकार ने युद्ध स्तर पर काम किया। क्वारंटीन सेंटर हो, आइसोलेशन की सुविधा हो, इसके निर्माण के लिए पूरी ताकत झोंक दी गई। आप कल्पना कर सकते हैं, उनके पिताजी का स्वर्गवास हुआ हो, पिताजी के अंत्येष्टि में जाने के बजाय ये उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए जिंदगी खपाने वाले योगी जी इस कोरोना से बचाने के लिए आपके साथ जुटे रहे। मैं योगी जी को अभिनंदन करता हूं, उनका नमन करता हूं। उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए इतनी संवेदनशीलता। भाइयों बहनों, जो श्रमिक बाहर से आ रहे थे उनके लिए बहुत ही कम समय में लगभग 60,000 ग्रामीण निगरानी समितियों का गठन किया गया। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है, जन भागीदारी, जनता को जोड़ दिया। 60,000 निगरानी समितियां बना देना। इन समितियों ने गांवों में क्वारंटीन की व्यवस्था विकसित करने में बहुत बड़ी मदद की। मैं सभी निगरानी समितियों के लोगों का बधाई करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं।